आपके चैनल के थ्रू सबको ये संदेशा देना भी चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जैसे जिस तरह से आप इस केस में दोनों तरफ से हैं, हिंदुस्तान से भी आपको मोमिन सर का जो है आप बीच के जो मेडिएटर हैं, इधर से भी संभालना उधर से भी संभालना, तो इस तरह से मेरा बनता भी है यहाँ पे बोलना कि प्लीज आप मोमिन सर को जिस तरह हम समझ रहे हैं, जिस तरह साहिब भाई समझते हैं, साहिब भाई से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, साहिब भाई मॉडरेटर का काम कर रहे हैं क्योंकि उधर से अंसार बरनी जी का जो है वो सहारा उनपे है, इधर से जो है मोमिन सर का सहारा साहिब भाई पे है, तो इस केस में आके मोमिन सर पे जितना कीचड़ उछाला गया है और जो बैक स्टेज जो कीचड़ उछाला जा रहा है ना, उसका अंदाजा आप लोगों को नहीं है, हमें नहीं है, हमें भी अभी पता चल रहा है थोड़ा बहुत कि उनके ऊपर कितने मतलब कितना उनको झेलना पड़ रहा है इस केस को लेके। और आप लोगों को सबको पता है कि ये एपी सिंह जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एपी सिंह जी बीच में शांत रहे, चले गए, उन्होंने फिर मॉब लिंचिंग का मुद्दा लेके आ गए। अच्छा आप ये बताइए मॉब लिंचिंग किसने कर दी सीमा के साथ में, और सीमा कौन होती है ये गवाही देने के लिए कि मैं परेशान हो रही हूँ यहाँ पे और मेरे साथ में वायलेंस करा जा रहा है, जब तेरे को जो घर जब जिस घर में तू रह रही है वो पीट रहे हैं, उसकी तू फोटो खुद वायरल कर रही है, वीडियो वायरल कर रही है, तब तेरे साथ वायलेंस नहीं हो रहा है, तब मॉब लिंचिंग तेरे साथ नहीं हो रही है, वो तेरे साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। तेरे साथ सोशल मीडिया पे कोई मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता है, तेरे भाई का दिमाग हो गया है खराब, मुझे लगता है कि वो अपनी कानूनी कार्रवाई जो कानून उन्होंने पढ़ा हुआ है वो कानून उनको समझ में नहीं आता है, वो कानून वो भूल गए हैं, उनको कानून दिलाना याद हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं भ्राताश्री आपको बोलती हूँ कि प्लीज आपने जितनी रेपुटेशन अपनी खराब करनी थी आपने कर ली, अब इससे ज्यादा क्या बचा है आपके पास, अब आप कल आपने मॉब लिंचिंग का जो आपने मुद्दा लिया क्योंकि बाबा ने लात मार के भगा दिया होगा वहां से, बाबा के तो आप वो थे ही नहीं क्योंकि आप जबरदस्ती वहां घुसे थे, जिस केस में अभी FIR दर्ज नहीं हुई है उसमें आप अपने आप को बताते हो कि मैं इनका वकील हूँ जबरदस्ती, तो आपका हर जगह जबरदस्ती घुसना नहीं बनता है भाई, नहीं आपको चाहता कोई भी जबरदस्ती घुसे। अभी तक आपका इस केस में अभी भी आप बता दीजिए कि सीमा हैदर की इतनी वो लग गई इयरिंग हो गई है, आप वकालतनामा में अपना साइन बता दीजिए, आप वकालतनामा में अभी तक आपका साइन नहीं है। और आप देखिए अगर हम लोग देखिए अपना उसका धर्म का पालन करते हैं, अपनी अदालतों का हम सम्मान करते हैं, हम अपने उसका जो भी हमारे वोकलास हैं उनके सम्मान में अगर हम आगे नहीं आ रहे हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, हमें उनपे भरोसा है। अगर हम लोग रोड पे या सड़क पे उतर गए ना तो फिर उधेड़ने में देर नहीं करेंगे, फिर आप लोगों के पास कोई जुगाड़ नहीं रहेगा, कितने लोगों को आप लोग बंद करवाएंगे, कितने लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, कितने लोगों को आप सजा दिलवाएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आया। जब आपका जादू कहीं नहीं चला तो आपने कल मॉब लिंचिंग का सहारा ले लिया, आपको पता है मॉब लिंचिंग क्या होती है, और हम लोग इस तरह से सोशल मीडिया पे अगर बात कर रहे हैं तो हम कैसे उसको मॉब लिंचिंग का शिकार हो रही है वो हमारी, उससे ज्यादा तो वो हम लोग उनको परेशान कर रही है, क्या आपको आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या आपने जो आपने स्टडी किया है क्या आपकी स्टडी में ये नहीं आया था कि आप एक इनलीगल महिला को जो सहारा दे रहे हो और उसने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उसमें नाक में दम कर रखा है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है, आप एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हैं कि पहले वहां से गोलियां आती थी अब डोलियां आती हैं, दिखाइए ना, हम तो कहते हैं दिखाइए डोलियां की तस्वीर तो दिखाइए, बॉर्डर पार से आप जो डोली लेके आए हैं उस डोली की तस्वीर तो दिखा दीजिए, बस सिर्फ ये दिखा दीजिए कि आप वहां गए थे पाकिस्तान गए थे इसको लेने डोली लेके इसकी डोली लेने के लिए, वो दिखा दीजिए, हम तो आपसे सिर्फ सबूत मांग रहे हैं, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, और सबूत मांगना अगर हमारा वो है, अगर हमारे हिंदुस्तान की बहनें आपसे सबूत मांग रही है कि इस बेगैरत महिला की जो जितनी सारी वो है वो सबूत के नाम पे हमें दीजिए, तो फिर अगर हमने ये गलती की है तो शायद बहुत बड़ी गलती कर दी हमने आपसे सबूत मांग के, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप हमारी बहनों को जो बहनें गालियां खा रही हैं, जो बहनें यहाँ पे आके डेली इतना, अब वाकई में बहुत सारी जो है जनता वो कम हो गई है क्योंकि इतना लेट एक साल तो आपने वैसे ही बर्बाद कर दिया, अब आके मोमिन सर ने जो संभाला है तो अभी मोमिन सर के पीछे आप लोग पड़ गए हो, आपको इतनी शर्म आनी चाहिए, उसी देश का पानी उसी देश का अन्न आपने खाया है, उसी देश का पानी और अन्न मोमिन सर ने खाया है, तो आप ये देखिए कि उनकी वकालत में और आपकी वकालत में कितना फर्क है,
आप ही देखिए कि आप किस तरह की वकालत करते हैं और उनको देखिए वो किस तरह की वकालत करते हैं, और आप सीनियर होने के बावजूद भी उनकी तरह वकालत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ आपके ऊपर आपकी गलती है या आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है जो कैपेबिलिटी उनमें है। तो आप अच्छा? उनको जो पर्सनल जो जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, जो भी जैसे भी आप उनको ले रहे हो, जो पर्सनल अटैक आप करवा रहे हो और कर रहे हो, वो उनको भी साथ के साथ झेलते हुए चल रहे हैं। और उनकी आपने जो कर रखी है ना हालत, वो कभी नहीं झुकने वाले। तो मैं आपसे भ्राताश्री यही बोलूंगी कि आप थोड़ा सा इंसान इंसान बनिए और इंसानियत के नाते से सोचिए कि मैं एक अपने ही जो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो आपकी तरह एक वकील है, आप उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए, जिनके भी मन में ये ख्याल आ रहा है कि काम उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तेजी से होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। मैं आप लोगों को अंदर की बात बताऊं, लेकिन जो अपने पर्सनल जो उनकी पर्सनल लाइफ से लेके जो ये लोग परेशान कर रहे हैं ना उनको उनको पैरेलल लाइन पे लेते हुए चल रहे हैं। जो एपी सिंह जी ने उनके बैकस्टेज जो उनकी आफत निकाल रखी है उसको कोई नहीं देख रहा है, उसके बारे में भी सोचिए। वो उसको भी शॉर्ट आउट करते हुए चल रहे हैं कि वो चीज यहाँ पे ना आए, उस चीज को लेते हुए, क्योंकि उन्होंने ये चीजें यहाँ पे लेते हुए, वो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हमसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोगों ने बोला कि इसका सोशल मीडिया बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली बंद, सोशल मीडिया बंद होने के लिए बोला ही नहीं था, सोशल मीडिया पे इसका आना बंद होने के लिए बोला था। तो देखिए, हम तो कहते हैं कि वायलेशन करे, जितने ये कानून तोड़ेगी, जितना कानून तोड़ेगी इतना कानून का सिकंजा इस पे जल्दी कसा जाएगा। और ये अगर नहीं लेते हैं एक्शन, तो मोमिन मलिक साहब ने कहा है कि मैं खुद दोबारा एप्लीकेशन लिखूंगा और दोबारा कोर्ट में डालूंगा कि ये वायलेशन कर रही है। उसके बाद तो फिर उसको इस पे इसका बाप भी नहीं बचा सकता है। हाँ, जहां तक ये क्वेश्चन आपने पूछा कि ये देर हो रही है, हमें भी लग रहा है कि हो रही है देर, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि कोर्ट में केसेस ही इतने पड़े हुए हैं। जिस तरह से इसको अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था और सलाखों के पीछे हो जाना चाहिए था, तो मोमिन मलिक सर ने क्यों ऐसा किया है कि आप लोग क्वेश्चन करिए और मैं आपके आंसर यहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि वो डेली डेली हम लोगों को पर्सनली बता नहीं सकते हैं। उन्होंने ये जानना चाहा है कि लोगों के दिल में क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्या क्या वो क्वेश्चन खड़े कर सकते हैं। तो उन्होंने ये हमारे सामने ये मुद्दा रखा अपना कि अब डेली वो हमारे लिए एक घंटा निकाला करेंगे और हमारे सवालों के जवाब दिया करेंगे, ताकि जनता भी बिल्कुल, और आके उन्होंने ये भी बोला है कि आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि चाहे वो लाखों रुपए खर्च करना पड़े, लाखों रुपए खर्च करने के लिए उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनको पर्सनली हर जगह जाना पड़ता है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम किसी से मांगेंगे या किसी से वो करेंगे, उन्होंने अपने लिए बोला है कि चाहे मुझे लाखों रुपए खर्च करना पड़े लेकिन इसको मैं जेल भेज के रहूंगा, क्योंकि चाहे नई सरकार भी आ जाए। और जहां रही, बहुत सारे लोगों ने उनको एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इसको क्या यहाँ पे नागरिकता मिलेगी, वो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल भी कोई भी लोग ये मत सोचिए, क्योंकि CAA का अर्थ जो समझ गया है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो CAA को आप एक बार गूगल पे सर्च करें। अगर अगर इसको यहाँ पे नागरिकता मिल जाती है तो CAA का कानून हमारे यहाँ से रद्द हो जाएगा, जो अमित शाह जी ने जो लागू किया है तो वो रद्द हो जाएगा। तो CAA तो बिल्कुल आप ये बिल्कुल भी कोई भी गलत फहमी में ना रहे कि इसको यहाँ पे नागरिकता मिलेगी, जाएगी जेल ही। थोड़ा सा बस पेशेंस लेवल बनाए रखिए, जहां 15 महीने हमारे भाई बहनों ने इतना स्ट्रगल किया है, जिन्होंने गालियां खाई है, जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है, तो उनसे भी मैं प्रार्थना करती हूँ। और जितने सारे लोग नीचे कमेंट करने वाले होते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं कि मोमिन मलिक साहब क्या कर रहे हैं, तो मोमिन मलिक साहब अपनी तरफ से जितनी कार्रवाई थी वो कंप्लीट कर चुके हैं, बस अब आना है अदालत का, जो अदालत से आएंगी, जैसे जैसे डेटें लगेंगी वो डेटों पे जाएंगे। और हैदर भाई को जिस तरह से आपने सुना होगा कि उन्होंने बोला है कि हैदर भाई को हमने अगस्त में बुलाया है, तो डेफिनेटली जो 27 तारीख की सुनवाई है मे बी उसमें हैदर भाई की जरूरत है, और हैदर भाई अपनी स्टेटमेंट देंगे। और इस हफ्ते कमिंग वीक में अब आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है बच्चों के हवाले से, जैसे कल भी सर ने बताया और उससे पहले भी बताया था। बस एक थोड़े से एक अधिकारी के बीमार होने की वजह से थोड़ा सा वो डिले हो रहा है, वो जैसे ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो हम सभी के सामने बच्चों के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, काम जो है, जब भी कोई हम लोग बीमार होते हैं, जब हम लोग बीमार होते हैं तो एक उदाहरण दूंगी छोटा सा, जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं,
वो सरकारी हॉस्पिटल वाले हमारा किस तरह से हमारे जो इलाज है ना वो शुरू से करते हैं। उन्होंने ब्लड जी टेस्ट भी करना है, यूरिन टेस्ट भी करना है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड उस एक्सरे वगैरह सारा करना है। और जब हम प्राइवेट में जाते हैं वहां हम पैसा देते हैं, एक ही दिन में सारा कुछ करवा देते हैं। तो ऐसे ही प्लीज सरकारी काम है, सरकारी अभी कोर्ट में जा चुका है, तो अपने बिल्कुल हम मैं ये सभी से बोलूंगी जो लोग जहां रहते हैं, मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करूंगी कि कानून पे भरोसा रखिए। देखिए कानून कहीं का भी हो थोड़ा सा ये है, हाँ हमारे कानून में मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा हमारा कानून ढीला है। ढीला बोले तो केसेस इतने सारे पड़े हुए होते हैं कि किस 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 पे ध्यान दे। ये नहीं है आउट ऑफ कंट्री में होता ये, या फिर ये उस टाइम पे जिस टाइम पे ये आई थी उस टाइम पे अगर थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा अगर उन्होंने पराशर सर ने ध्यान दिया होता तो शायद ये उसी टाइम पे डिपोर्ट हो जाती। बट उन्होंने भी क्या किया कि वो पुराना दोस्त था इनका, अब उनको छुड़ाने के चक्कर में ये इनसे मिलने आई थी और इसका भी उन्होंने बेल करवा दी। तो बस वहां पे गलती हो गई और उस गलती को हम बिल्कुल मानते हैं, उस गलती को हम एक्सेप्ट करते हैं। एज ए लॉयर वो उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका मतलब उनका जो है उनका कर्तव्य था कि अपने क्लाइंट को बाहर निकालना। देखिए एक जिसका जो प्रोफेशन होता है वो उस प्रोफेशन से कभी भी अपने प्रोफेशन से आगे निकल के काम नहीं कर सकता है, या अपने प्रोफेशन को वो कभी भी गलत नहीं ठहरा सकता है। तो बस मैं वहीं पे ये मानती हूँ कि अगर पराशर सर ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता उस टाइम पे तो शायद ये अंदर होती, बच्चे कब के डिपोर्ट हो चुके होते।